नमस्कार किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं दलोदा तहसील के गांव है निपानिया। यहां पर बिल्कुल किसान से जानते हैं हम कि उन्होंने जो डालर चना लगा रखा है वो किस टाइप से खेती करते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम से खेती कर रहे हैं और इस बार उन्होंने किसान हेल्पलाइन के सजेशन के तौर पर खेती करी है। जो किसान हेल्पलाइन ने उन्हें सजेस्ट किया था भूमि सुधार के लिए बायो एनपी के उन्होंने डाला है, इस बार उनकी फसल कैसी है उन्हीं से जानते हैं। और साथ में वो कब इसको पानी देते हैं, क्या करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करते हैं, क्या उत्पादन वन मिलता है उनको। और उनका कहना यह भी है कि जो जावरा मंडी में जो डालर चना बिकता है पिछले साल भी हाईएस्ट है उन्हीं का बिका था, तो क्यों ना हम किसानों को इस बारे में जानकारी दे, क्योंकि बहुत सारे किसान डालर चने की खेती करते हैं पर कुछ जानकारी के अभाव में वो उतना उत्पादन नहीं निकाल पाते, वो क्वालिटी नहीं बना पाते। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, काफ़ी समय से इनका एक्सपीरियंस भी रहा है इस चीज़ के बारे में, तो उन्हीं से जानते हैं कि वो कब से खेती कर रहे हैं, कैसे खेत की तैयारी करते हैं, कितना बीज देते हैं, कब कब उसको पानी देते हैं, वो सारी जानकारी उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम बताएं। नज़ीर मोहम्मद नाम मेरा सर, नज़ीर मोहम्मद जी, गांव का नाम निपानिया निपानिया, जी। निपानिया अफजलपुर इसे कहा जाता है जी जी। आप जो ये डालर चना लगाते हैं जी तो आप मेरे को थोड़ा स्टार्टिंग से बताएंगे, किसान भाइयों को जानकारी हो उसके लिए कि आप। पहले इस खेत को मैं अच्छी तरह से इसको हल्की हल्की हकई जुताई करता हूँ, जी और हल्की हल्की हकई जुताई करने के बाद में इसका जो खरपतवार सब नष्ट कर देता हूँ। नष्ट करने के बाद में इस खेत को फिर अपन ही जैसे खेत को हेरते हैं तो इस हिसाब से हरियो निकाल देते हैं। हरिया निकाल के ना हलियों के अंदर पानी रख देते हैं। जी पानी छोड़ के ना करीब करीब जैसे 15 दिन 20 दिन के हो जाते हैं वो खेत, उसमें अच्छी हवा आ जाती है, बढ़िया एक नंबर हो जाता है कि अपन मिट्टी निकाल के देख लें उसके अंदर से खोद के तो मिट्टी हल्की हल्की बिखरने लग जानी चाहिए। जी उसके बाद में फिर सीडिल से 6 चाने के यानी कि सोयाबीन लगाते उसी सीडिल उसी सीडिल से सोयाबीन जो लगाते हैं अपन उसी सीडिल से अपन 6 चाने के निकाल देते हैं। हरिया एक एक हरिया में एक 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 बार सीडिल लगा देते हैं फिर उसके बाद। और इस हिसाब से पानी इस खेत के अंदर मैंने पानी अब करीब करीब ये 28-30 दिन के होने को आ गए, उसके बाद अब पानी दे रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद जैसे कि किसान भाई देख पा रहे हैं ये 28 से 30 दिन की फसल हो चुकी है, किसान भाई इसको पहला पानी दे रहे हैं। पहला पानी जी, इसके बाद और कोई पानी देते हैं इसमें? इसके बाद और कोई पानी नहीं देता हूँ। अच्छा, मतलब ये फ्लोरिंग स्टेप पे है और मेरी जमीन थोड़ी गहरी है, इसमें खनन ज़्यादा है इसलिए पानी नहीं दे सकते। पानी देंगे तो वो जमीन फट जाती है, उसके बाद पानी देते हैं तो जो अंदर पानी जाता है तो वो जड़ें उसकी धुल जलती है तो इसलिए वो पेड़ सूखने लग जाते हैं। अच्छा, पेड़ सूखने लग जाते हैं इसलिए एक ही पानी देते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आप इसमें और भी फंगीसाइड या इल्ली के लिए कौन सा क्या स्प्रे करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, कौन सी टाइमिंग रहती है सही जब स्प्रे करने में इल्ली ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए फसल को? हाँ, तो इल्ली के लिए तो वही करते हैं, वो अपने जो कंपनी की दवाई आ रही है बायर कंपनी की आ रही है। अच्छा। जैसे ये अपने फेम है, कोराजेन है। हाँ चलो ठीक, वो तो कोई बात नहीं, वो कौन सी भी आप यूज़ करते हैं, पर उसकी टाइमिंग क्या रहती है, जब फ्लोरिंग स्टेप पे करते हैं या फिर उसमें? फ्लोरिंग स्टेप पे, जैसे फ्लोरिंग आई जैसे आने को अपने को है उस टाइम पे फ्लोरिंग स्प्रे कर देते हैं। और अभी जो कुछ गोड़ कोई ख़त्म होता है फपुना से कुछ भी आती है तो इसके लिए फलों की का स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ताकि तो इसमें जो गोड़ सूखते हैं सूखना बंद हो जाते हैं। फलों का। अच्छा, इसका कितना उत्पादन आप निकाल लेते हैं एक बीघे का? करीब करीब 4.5 से 5 क्विंटल। 4.5 से 5 क्विंटल का उत्पादन आप हर साल निकालते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, इस बार अपन इनसे फिर भी जानेंगे जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी, बीच में एक बार और किसान भाइयों की इनकी फसल बताएंगे, जब फ्लोरिंग स्टेप होगी कितना इसमें फ्लोरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। जी, जी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो आती है जी। तो उसमें आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ताकि आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाए। साथ में इसकी जब हार्वेस्टिंग होगी एक बार हम उस समय भी कवर करेंगे, आपको पूरा वीडियो करके बताएंगे कि किसान ने किस समय क्या चीज़ डाला था, उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसका जो दाना है वो बोल्ड साइज में कैसा पका है, और किसान भाई ये देख के पूरा अपना जो खेती करते हैं चने की डालर चने की वो इस हिसाब से भी खेती करके देखे ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो, उनको भाव अच्छा मिले इसी के लिए। ठीक है, और उसको जानकारी चाहिए तो आप किसान हेल्पलाइन से जुड़े रहिए, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं आपके इसमें यहाँ पर क्या लगाते हैं, कौन सी फसल आप लगाते हैं, किस टाइप से लगाते हैं, उसके बारे में भी कोई जानकारी चाहिए
तो किसान हेल्पलाइन से आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।